कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर परिसर को मंगलवार तक सील कर दिया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम फाइनेंस और उनके कुछ कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर परिसर को मंगलवार तक के लिए सील कर दिया गया है और इस बीच सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आवश्यक सेवा कंट्रोल रूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल संचालित रहेगा। इस संबंध में गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश जी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके स्टाफ में भी से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए सैनिटाइजेशन के लिए कलेक्ट्रेट को बंद किया गया है, लेकिन आवश्यक सेवाएं जो हैं कंट्रोल रूम वगैरह संचालित की जा रही हैं और रोस्टर जो दुकानों का पहले लागू था वो आज भी लागू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बगैर आवश्यकता के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें, जीवन की रक्षा करें, बिना मास्क लगाए सड़क पर मत आएं, उस पर जुर्माना है 100 रुपये से लेकर तीसरी बार तक 500 रुपये तक का जुर्माना है और आपकी जान को खतरा ना रहे, इसलिए आप हर संभव प्रयास करें, हाथों को धोते रहें साबुन से और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, 8 साल से ऊपर के लोगों को भी सुरक्षित रखें।